का और आटे का हलवा तो बनाते हैं, लेकिन आज आपके साथ मैं बहुत इजी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं हल्दी बेसन का हलवा। देखिए पहले हम पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2.5 कप पानी के। देखिए अब छोटा बड़ा कटोरी या कप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एक ही कप का यूज़ करेंगे, उसी के हिसाब से हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी का। अभी हम इसे करेंगे मिक्स। देखिए हमें चीनी को पानी में मिक्स करना है, खाली गर्म करना है, इसकी हमने चाशनी नहीं बनानी है। तो देखिए चीनी पानी में मिक्स हो चुकी है, अभी हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर। देखिए थोड़ा सा डालेंगे और साथ में इसमें डालेंगे हम केसर। देखिए केसर डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इसमें कलर भी बहुत बढ़िया आएगा, तो आप भी ज़रूर डालिएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे और इसे करेंगे हम मिक्स। अभी हम कढ़ाई में 1 कप बेसन डालेंगे और इसको हम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए हमें अच्छे से इसे भूनना है। कभी कभी क्या होता है, हम बेसन की बर्फी या फिर बेसन के लड्डू खाते हैं तो वो दांतों में कभी कभी चिपकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा बेसन अच्छे से भूना नहीं गया है। तो इसे अच्छे से हमें भूनना है जिससे घर में एकदम बढ़िया सी खुशबू आ जानी चाहिए। तो देखिए हम एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे, पहले हम आधा घी डालेंगे और आधा घी हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम घी के साथ इसे भूनेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हम इसे भूनेंगे, अच्छे से इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए इसे लो फ्लेम में भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। देखिए इसने कलर भी चेंज कर लिया है और इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये पानी ऐड करेंगे, ये चीनी वाला पानी, इसको हम धीरे धीरे करेंगे डालेंगे और इसे कंटिन्यू ऐसे हिलाएंगे। इसे धीरे धीरे सारा पानी ऐड करेंगे। देखिए मैंने 1 कप बेसन लिया था, देखिए कितना सारा हलवा बन गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे घी जो हमने बचा के रखा था। देखिए अगर आप कम घी खाते हैं तो आप मत ऐड कीजिए, लेकिन अगर आपको बहुत टेस्टी हलवा खाना है तो इसमें आप और घी ऐड कीजिए। हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे इसमें, अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है हलवा। अभी हम थोड़ा सा और घी डालेंगे। देखिए बेसन ने हर पूरा कढ़ाई को छोड़ दिया है, बेसन ने, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा दानेदार हलवा बना है। घी में अच्छे से बेसन पकता है ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। कि हमारा बेसन का हलवा बनके तैयार है, देखिए कितना दानेदार हलवा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसे करते हैं हम सर्व। इसमें ऐड करेंगे कटे हुए बादाम, इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है बेसन का हलवा, देखिए कितना दानेदार बना है। इसके ऊपर थोड़े से काजू रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया हलवा बना है, एकदम झटपट बनकर तैयार हो गया। देखिए बेसन का हलवा हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसे इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम भी थोड़ा टेस्ट करते हैं कैसा बना है। और फ्रेंड्स बहुत टेस्टी हलवा बना है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला हलवा बना है। इस रेसिपी को आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स